विवादित वीडियो वायरल। सोशल मीडिया में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसपी देहात को शिकायत पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की जाने की मांग की। मैंगलोर विधानसभा से निर्वाचित प्रत्याशी हाजिर सरबत करीम अंसारी की बीते दिनों मैंगलोर में हुई धन्यवाद जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वीडियो विवादित होने के कारण इसके बाद विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी ने इस विवादित वीडियो को अपनी सौहार्द खराब होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये विपक्षियों द्वारा इस जनसभा में बेहद ही घटिया आरोप लगाया है। उनके देशभक्ति पर सवाल उठाकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। मैंगलोर विधानसभा में सर्व समाज ने उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजा है। वो नारे राजस्थान जिंदाबाद के लगाए गए थे, लेकिन घटिया मानसिकता रखने वाले लोग इसे क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ये झूठी खबर, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है इसके खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। नवभारत समाचार रुड़की से आशा रावत की रिपोर्ट। इस संबंध में अभी कुछ लोग अभी आके मिले थे और इस पूरे प्रकरण में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जाँच कराने की मांग की गई है। इसमें हम लोग अभी इसकी जांच करा रहे हैं, सर्कल अफसर स्तर से इसकी जांच करा के, और उसमें जो भी अगर इस तरीके की कोई घटना हुई है, इस तरीके की कोई बात की गई है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र शर्मा, पंडित नरेंद्र शर्मा है और मैं वहां मंच पर मौजूद था जहां की ये वीडियो बता रहे हैं, और वहाँ राजस्थान के नारे लगाए गए, पाकिस्तान का कोई नारा नहीं लगा। और हम जो है काफ़ी लोग जो है संख्या में हिंदू लोग भी जो वहाँ मौजूद थे। जब से आज तक देश आज़ाद हुआ है, मंगलौर कस्बा एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है कि जिसमें जो है कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। हम जो है देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। जो लोग आपस का जो है स्वार्थ को ख़त्म करना चाह रहे हैं वो लोग गलत हैं, और वो जो है कस्बे का माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। लिहाजा जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो वो चली है, एक लाइन हमारे एक साथी ने कही है, क्योंकि हमारा पूरा इलेक्शन जो है यहाँ का जो वर्तमान विधायक था वो राजस्थान रहा है। राजस्थान ने पूरे 5 साल काट का है, वहाँ 5 साल के बाद जो है वही हमने मुद्दा बनाया कि राजस्थान तो पूरी यहाँ मंगलौर विधानसभा की जितनी भी आवाम थी, जितना भी वोटर था, वो सब जो है उसे राजस्थान भेजने का नारा लगाता था। इसी तरीके से हम जो है आभार व्यक्त मीटिंग में जो है जो नारे लगाए हमारे एक साथी ने, वो इस बात के लगाए हैं कि पहले लगाया उन्होंने नारा दिया कि चेयरमैन जिंदाबाद, फिर कहा सरबत करीम जिंदाबाद, और उस पर कहा है कि फिर कहा है उसने राजस्थान जिंदाबाद। तो हमारे जो मुखालिफ है, जो कस्बे की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने तरुण मंडल के कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी सभा में क्या पाकिस्तान के नारे लग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम सच्चे देशभक्त हैं। हम 1947 में भी हमारे बड़े जो है विधायक रहे हैं। ये हमें बदनाम करने की हमारे मुखालिफ की एक साजिश है, जिसे जो है बाखूबी जो है उसके साथ मुँह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा। और हम उन चैनलों पर जिन्होंने इसे चलाई है, हम उस पर जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है हम कोर्ट में जाएंगे, मुकदमे दर्ज कराएंगे। ये जो वातावरण है हमारे कस्बे का, इसे हम कतई ख़राब नहीं होने देंगे, चाहे किसी कुछ भी हो जाए।